तो फाइनली आ चुके मां साम्राज्य अजय देवगन की सिंघम अगेन के कोने एपिसोड में वापस। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 7 चल रहा है एंड फर्स्ट ऑफ वीक का फाइनल डे भी है एंड थर्सडे है। भाई देखेंगे आज के दिन क्या नंबर है वो आ सकते हैं एंड क्या हमें फाइनल एडवांस कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। क्या एडवांस पे मामला यहाँ पे 2 करोड़ से भाई ज़्यादा गया है या फिर नहीं। देखो वर्किंग डेज शुरुआत लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा था एडवांस, नियरली 3 करोड़ के आसपास एंड अब तक की बात करें मामला 2 करोड़ से नीचे है वो नहीं आया है। लेट्स सी देखते हैं कि आज के दिन भी क्या एक अच्छा होल्ड दिखाया एडवांस में या फिर नहीं। पर उससे पहले देखेंगे हमारे पास ट्यूजडे क्लोज तक क्या फिगर है वर्ल्ड वाइड में एंड वेडनेसडे के दिन क्या ऑफिशियल नंबर है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है एंड पहले 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड फिगर है वो कहाँ तक जाने वाली है। तो उससे पहले आपको क्या करना है भाई ये सब बताएं, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट्स वीडियोस के लिए। तो वर्किंग डेज से शुरुआत करते हैं। तो मंडे 19.20 CR नेट कमाई की एंड एक अच्छी हमें होल्ड है वो देखने को मिला है मंडे टू ट्यूजडे, ऑलमोस्ट 50% के आसपास ड्रॉप। नेक्स्ट ट्यूजडे 16.50 CR नेट, मेकर्स ने ऑफिशियल नंबर दिया एंड लगभग हमें 14% ड्रॉप है वो देखने को मिला है, जो कि मैंने बताया था 14.5 करोड़ के आसपास समथिंग अराउंड। चलो मेकर्स ने भाई ये नंबर दी है ठीक है। एंड इंडिया नेट जाएगा 160.70 CR फर्स्ट ऑफ 6 डेज एंड इंडिया ग्रॉस 191.30, ओवरसीज 47.60 CR एंड वर्ल्ड वाइड में 238.90 CR फर्स्ट ऑफ 6 एंड ट्यूजडे क्लोज तक फर्स्ट ऑफ 6 भाई फर्स्ट ऑफ 5 डेज मैंने जो नंबर अभी शेयर किया है सॉरी माफ करना। एंड बात करें अब डे नंबर 6 की यस्टरडे की हमें क्या यहाँ पे एस्टिमेट्स है वो देखने को मिल रहा है। देखो सबसे पहले नंबर ये 2 तरह का रहने वाला है, एक जो मैंने कल शाम को बताया था कि 11.5 करोड़ के आसपास भाई नेट कलेक्शन है वो आ सकता है, क्योंकि मेकर्स ने भाई ट्यूजडे के दिन मैंने 14.5 बताया था 16.5 करोड़ के आसपास फिगर दी है तो या 2-3 करोड़ नंबर क्लियर दिया जा सकता है। तो शायद मेकर 13-13.5 करोड़ के आसपास नंबर है वो छाप सकते हैं वेडनेसडे का, बट फिलहाल हम अभी 11.5 करोड़ के आसपास ही नंबर है वो पकड़ रहे हैं एंड यही कुछ नंबर रहा। तो 172.20 जाएगा नेट फर्स्ट ऑफ 6 डेज एंड इंडिया ग्रॉस 204.30 एंड ओवरसीज 4 करोड़ के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस्टरडे के दिन भाई कमाई है वो की है एंड 51.30 जाएगा ओवरसीज एंड वर्ल्ड वाइड में 255.60 फर्स्ट ऑफ 6 डेज एंड मेकर्स 13-13.5 करोड़ के आसपास नंबर छापते हैं तो ये 258 करोड़ के आसपास जाने वाली है वर्ल्ड वाइड फिगर नियरली। लेट्स सी वेट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि 9 बजे के आसपास रात को नहीं दे भाई दोपहर के आसपास छापते जल्दी से भाई इतना ज़्यादा लेट क्यों। एंड ये कुछ लेखा जोखा है पहले 6 दिनों की बात करें एंड अच्छा कलेक्शन किया है नो डाउट। और वर्किंग डेज अभी फिलहाल देखा जाए तो जो हमें उम्मीद थी एक्सपेक्ट था कि मंडे 19 करोड़ से ज़्यादा एंड फ्राइडे आते आते भाई 10 करोड़ भी आ जाए तो बड़ी बात है, तो वर्किंग डेज में वो हमें अच्छा होल्ड है वो देखने को नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि सेकेंड हाफ वीकेंड में फिल्म भाई काफ़ी अच्छा बिजनेस है वो निकालेगी। आज की बात करें भाई ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, अगेन भाई बड़ा हमें ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है, छठ पूजा भी है अलग अलग प्लेसेस में तो या ज़्यादा अब आज अगेन भाई नंबर है वो गिर सकता है। एडवांस देख लेते हैं डे नंबर 7 हमें क्या देखने को मिला है फाइनल। मुंबई लगभग 6% ऑक्युपेंसी के साथ 26 लाख एडवांस है एंड 7900 प्लस टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, ऑल ऑफ नंबर्स विदाउट ब्लॉक सीट्स है याद रखना। तो मुंबई अगेन काफ़ी हमें अच्छा होल्ड है वो देखने को मिला एज अ एडवांस वेडनेसडे टू थर्सडे, आई थिंक वेडनेसडे 30 लाख के आसपास एडवांस था, सुपर होल्ड है। दिल्ली NCR 15 लाख एडवांस है, लगभग 4% ऑक्युपेंसी वेरी डिसेंट है एंड 5200 प्लस टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, तो देखते हैं आज उम्मीद करते हैं कि भाई NCR थोड़ा अच्छा जाएगा। एंड अहमदाबाद लगभग 7% ऑक्युपेंसी एंड 17 लाख एडवांस है, 5000 के आसपास हमें टिकटें अब सोल्ड आउट है वो देखने को मिली है, कंपैरिजन टू यस्टरडे हमें थोड़ी सी भाई गिरावट है वो देखने को मिल रही है बट ओके है काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट सूरत लगभग 14% ऑक्युपेंसी एज एडवांस काफ़ी बढ़िया एंड 11 लाख बिजनेस है जो कि 5100 प्लस टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट,
तो ये शुरुआत में भाई काफ़ी बढ़िया हमें ओक्वेंसी है वो देखने को मिल रही है एज अ एडवांस। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी बढ़िया है वो जाने वाला है। एंड बेंगलुरु सिटी लगभग 8 लाख एडवांस है, 13% ओक्यूपेंसी एंड 5000 के आसपास हमें टिकट है वो सोल्ड आउट है वो देखने को मिली है। हाँ, एवरेज टिकट प्राइस बेंगलुरु सिटी में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट ओक्यूपेंसी काफ़ी बढ़िया आ रही है। कल का दिन मैंने आपको बताया भी था कि कर्नाटका भाई धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है एंड आज के लिए एडवांस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र है वो आ रहा है। नेक्स्ट राजकोट 20% ऑक्युपेंसी, लगभग 4 लाख एडवांस है एंड 1500 के आसपास हमें टिकट है वो सोल्ड आउट है वो देखने को मिली है। कल हमने सुबह देखा राजकोट भाई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था बट एडवांस काफ़ी बढ़िया ही था, लगभग जो इस प्लेस से भाई होना चाहिए हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, तो आज भी एडवांस भाई मिलता जुलता ही है। तो राजकोट अगेन काफ़ी बढ़िया हमें जाता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। नेक्स्ट जयपुर लगभग 8% ऑक्युपेंसी, 5 लाख बिजनेस है एंड 2200 प्लस टिकट है वो सोलो टाइप वो देखने को मिली है। देखो अभी जयपुर ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है बट चलो ठीक ठाक है। आप राज मंदिर वाले शोज देखोगे तो भाई वो खाली खाली जा रहे हैं ऑलमोस्ट अभी एडवांस में, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि शुरू होने से पहले हमें वहाँ पे अच्छा आशा भाई एडवांस कलेक्शन के साथ वो जो शो है वो शुरू हो। एंड टोटल एडवांस है 2.15 CR एंड 85,000 समथिंग अराउंड टिकट्स है वो हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिले हैं। तो एडवांस कंपैरिजन टू वेयर नर्सरी ज़्यादा कुछ भाई हमें ड्रॉप है वो देखने को नहीं मिला है। एक टाइम लग रहा था कल हमने जब दोपहर के टाइम डिस्कशन किया था कि भाई एडवांस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप था, बट इवनिंग एंड नाइट के टाइम एडवांस स्ट्रांग रहा आज के लिए एंड मामला अगेन भाई 2 करोड़ से ज़्यादा गया है 2.15 CR। तो आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितनी कमाई है वो आ सकती है। देखो सबसे पहले यहां पे सिंगम अगेन को भाई यही कोशिश है वो करनी चाहिए कि मामला डबल डिजिट प्लस ही जाए एंड सेकेंड वीकेंड शुरू होने से पहले मामला भाई सिंगल डिजिट है वो नहीं जाना चाहिए। लेट्स सी, अब देखते हैं कि भाई इतना आ पाएगा या फिर नहीं। एंड हम भी भाई यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकेंड वीकेंड से पहले ये मतलब सेकंड वीकेंड क्लोज तक भी मामला बस भाई सिंगल डिजिट है वो नहीं आना चाहिए। फ्राइडे के दिन भी मामला डबल डिजिट प्लस ही जाए एंड सैटरडे संडे हमें अच्छा आसा यूज जंप है वो देखने को मिले। अभी वर्किंग डेज देखा जाए ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं गए हैं एंड सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है एंड आज का दिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं जाएगा। कंपैरिजन टू यस्टरडे हमें भाई नंबर में गिरावट तो देखने को मिलेगी एंड जाहिर सी बात है कि वर्किंग डेज में जैसे जैसे आप आगे जाओगे एंड 10-15% आपको भाई ड्रॉप है वो देखने को मिल ही जाएगा। एंड ऊपर से छठ पूजा भी है, देखना ये भी दिलचस्प होगा कि भाई छठ पूजा का कितना इफेक्ट पड़ता है टोटल ऑफ कलेक्शन में, स्पेशली दिल्ली शिल्ली हो गया एंड वैसे भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जा रहा है बट ओवरऑल भी देखना होगा कि हमें कितना ज़्यादा ड्रॉप है वो देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही है, आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी डिवाइस एडवांस बुकिंग डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए।